वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी YouTube चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेस्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों का सवाल आ रहे थे चेस्ट के ऊपर कि चेस्ट के ऊपर वीडियो बनाइए कि कितना मेजरमेंट किया जाता है या फिर चेस्ट को कैसे इंक्रीज करें, वो एक्सरसाइज बताइए आप। सो गाइज, मैं वीडियो लेकर आ गया हूं, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल ही जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे जो है रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले पॉइंट मैं चेस्ट के ऊपर डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि फिजिकल के दिन जो है मोस्टली आपका चेस्ट के ऊपर ही बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे का चेस्ट आई थिंक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो पूरा नहीं कर पाता है, या फिर उसे पूरा कर भी लेता है तो वो एक्सपेंड यानी कि वो फुला नहीं पाता है, 5 इंचेस जो फुलाने रहते हैं ना, वो फुला नहीं पाता है। सो गाइस, ये सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे वो डायरेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। देखो 2015 के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि 2015 में तो पहले फिजिकल हुआ था, इसलिए मोस्टली सेंटर में जो है आपका चेस्ट कहीं जगह जो है आपका चेस्ट नॉर्मली नाप के जो है वो आपको पूरा दे रहा था, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह से 2015 में किया गया था। लेकिन मेरे सेंटर जहाँ पे सेंटर था मेरा बरौनी में, बरौनी CSF में, वहाँ पे कैंप है बरौनी CSF में, ठीक है। तो वहां पे उस कैंप में क्या था कि बहुत ही हार्ड तरीके से फिजिकल लिया जा रहा था, जिसमें कि मुझे चेस्ट में जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और मैं आंखों के सामने भी देखा था कि नॉर्मली अगर किन्हीं लोगों का 80 है तो वो एक्सपेंड कर ही नहीं पा रहा था, 2 इंच या फिर 3 इंच फुला पा रहा था, ठीक है। तो उन लोगों को तो गाली खानी पड़ ही रही थी, क्योंकि वो लोग जिम जाके जो है अपने चेस्ट को हैवी कर लिया था इसीलिए। सो गाइस, चेस्ट ही बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के लिए, तो चेस्ट के ऊपर ध्यान देना जिनका भी अगर चेस्ट कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि कितने कितने चेस्ट जो है किन किन एरिया से मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जनरल SC और OBC, ये तीनों कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करके आपको 85 करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे इस पॉइंट को लेकर, मैं आगे आपको भी डिस्कस करूंगा, पहले आप ये सुन लो। तो 80 मिनिमम और एक्सपेंड करके आपको 85 होनी चाहिए जनरल OBC और SC कैंडिडेट के लिए, ठीक है गाइस। अब वहीं पे अगर हम बात करेंगे ST कैंडिडेट, जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है, जितने भी ऑल इंडिया में शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST कैंडिडेट है, उनके लिए जो है आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 76 और एक्सपेंड करके आपको 81 करना पड़ेगा, ठीक है। 76 5 81 होती है, तो आपको वो 81 करना पड़ेगा मिनिमम, लेकिन आपका 76 होना जरूरी है, ठीक है गाइस। और अगर हम बात कर ले कि जो कैंडिडेट आपका कुमाउनिस, डोगराज, मराठा एंड ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, तो इन सारे स्टेट या फिर इन सारे कैटेगरी से जो अगर बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मिनिमम चेस्ट आपका 78 रखा गया है, ठीक है। और एक्सपेंड करके तो आपको 5 फुलाना ही है, 78 और 5 को जोड़ लो तो 82 करना है आपको, ठीक है। तो 78 मिनिमम चाहिए इन स्टेट आपका असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मराठा, डोगराज और जो भी है आपका, ये इस तरह से जो है आपका वो 78 चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात कर ले कि अगर आप जो बिलोंग करते होंगे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या फिर गोरखा से, तो उन सारे कैंडिडेट लोगों के लिए जो है मिनिमम आपका चेस्ट 77 होना चाहिए, ठीक है गाइस, 77 होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दिया। और एक्सपेंड करके सभी का एक्सपेंड जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। तो अब जनरली अब हम बात कर लेंगे अपने कैटेगरीज की, जनरल OBC और SC की, तो इसमें मिनिमम जो आपका 80 होना चाहिए, ठीक है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये आपके माइंड में अगर आ रहा है कि किसी का अगर 80 नॉर्मली तो 80 खोजा गया है, किसी का 81 हो चाहे फिर किसी का 82 हो, तो उन लोगों को भी जो है 5 फुलाना ही है। जितना अगर 80 से अगर आपका ऊपर चेस्ट है, मान लीजिए 81 है, 82 है, 83 या फिर 84, इवन या 85 क्यों ना हो, अगर आपका 85 है तो आपको वो 90 करना पड़ेगा फुला के, ठीक है। मिनिमम 80 था वो रिक्वायरमेंट है आपका, लेकिन अगर आपका उससे ज्यादा है, 81 है, तो आपको 5 फुलाना पड़ेगा, तो 5 आप उसमें ऐड कर लो तो आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किन्हीं का कम है, 80 से अगर किसी का कम है, जैसे कि मेरा कम है 79 है,
तो गाइज अगर किन्हीं का 70 का मैं किसी को फुलाने में एक्सपर्ट हो वो, अगर किन्हीं का 79 है अगर वो 86 कर दिया फुला के तो उनको भी सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो उसका कोरम पूरा कर दिया 80-85 कोरम पूरा कर दिया, इसीलिए जो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है गाइज, तो ये आपके दो माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कम के भी और ज्यादा के भी, तो मैं आपको बता दिया। ठीक है गाइज, अब हम यहाँ पे वैसे तो गाइज मुझे रिजेक्ट किया गया था 2015 में भी चेस्ट के हिसाब से, और गाइज इस साल भी मुझे बहुत डर लग रहा है चेस्ट के ऊपर। सो गाइज मैं चेस्ट को इस बार बहुत ही सीरियस लेकर चल रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी चेस्ट को सीरियस लेकर चलेंगे जिनका चेस्ट अगर आपका कम होगा। ठीक है गाइज, तो एक्सरसाइज करो यार, एक्सरसाइज करने से ही चेस्ट ग्रोथ करेगा, अदरवाइज नहीं ग्रोथ करेगा। ठीक है, तब आप लोग के जो है माइंड में क्वेश्चन ही रहेंगे कि क्या एक्सरसाइज करने से चेस्ट 100% ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, तो वो गाइज वो आपके एक्सरसाइज आपके खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके शरीर के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका चेस्ट कितना ग्रोथ हो सकता है, लेकिन आप एक उम्मीद कर सकते हो ना कि एक्सरसाइज करके जो है आप चेस्ट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो मैं दो चार क्या बोलते हैं उसको एक्सरसाइज करता हूँ, जो कि आप लोग भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत गाइज जो है जिम ज्वाइन भी करते हैं, बहुत लोग घर में भी करते हैं। देखो घर में भी आपको डिप्स मारनी है, जिम में भी जाके आपको डिप्स मारनी है, लेकिन जिम में एक प्रॉफिट ये होता है कि वो चेस्ट आपका बटरफ्लाई जो होता है ना वो आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, चेस्ट को फैलाने के लिए वो आप घर में भी कर सकते हो, अगर आप कोई ऊंचा सा चीज है आपको उसके अंदर इसी तरह से आपको नीचे जाना है और ऊपर उठना है, इस तरह से जो आप वो घर में भी कर सकते हो, लेकिन डिप्स मारना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है गाइस, डिप्स कंटिन्यू लगभग आपको मारना ही मारना है, डेली कम से कम आप लोग मार सकते हो तो 100-150 डिप्स कंटिन्यू तो नहीं गाइस, एक दिन में कम से कम 100-150 डिप्स जरूर मार लिया करो। ठीक है गाइस, और उसके हिसाब से खाना खाया करना। ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद डिप्स मत मारना। ठीक है, खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद डिप्स मारना, और अभी आपको स्क्रीन पे ढेर सारे जो मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग भी कर सकते हो, और मे भी बाकी बात तो है, अब आपके ग्रोथनेस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चेस्ट कितना हो सकता है। ठीक है गाइज, तो चेस्ट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको सीरियस लेकर चलना। ठीक है, अभी आप लोग आगे देख सकते हो, मैं एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे मैं वर्कआउट के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे जितने भी आपको सारे यहाँ पे दिख रहे होंगे वर्कआउट, ये आप देख सकते हो इस तरह से, तो यहाँ पे तकरीबन 11 वर्कआउट है जो कि आपको करने जरूरी है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, देखते हैं ये जंपिंग जैक्स है। ठीक है, आपको चेस्ट का एक्सरसाइज करने से पहले आपको इस तरह से आपको करने हैं 30 सेकेंड तक। ठीक है गाइज, अपने हिसाब से 30 सेकेंड तक करना, ये नॉर्मली जो चेस्ट बिगिनर है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है गाइज, उसके बाद जो है अब आती है आपका ये सॉरी उसके बाद आपका आता है इनक्लाइन पुशअप्स। ठीक है गाइज, तो ये आपको करने हैं, ये आपको सेट में करने हैं। ठीक है, चाहे आप 5-5 का 3 सेट मारो या फिर अपने कैपेसिटी के हिसाब से 10-10 का 3 सेट मारो। ठीक है, क्योंकि आपको 11 सेट करने कंप्लीट, तो ये आपका एक हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद अब आता है पुशअप्स। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस कार्टून में देख रहे हो, तो स्ट्रेट बॉडी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, और इस पुशअप का भी सेट आप लोग लगा सकते हो, 5-5 का 3 सेट लगा देना या फिर 6-6 का या फिर 10-10 का 3 सेट लगा देना। ठीक है, अब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा का पूरा सेट कर लेना, हम 20-20 करके 3-3 सेट लगा दिया, अगला दिन जो है आप बेड पे लेटे रहना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप लोग धीरे धीरे करो, 6-7 का सेट मारो, 2-3 सेट मारो, काफ़ी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये वाइड आर्म पुशअप, मतलब कि आपको पूरा चौड़ा, मतलब कि आपको पूरा हाथ फैला के जो है आपको चेस्ट का जो है डिप्स मारनी है, लेकिन बिल्कुल आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए और दोनों का दोनों पांव जो है आपका सटा होना चाहिए। ठीक है, इसका भी आप लोग 2-3 सेट मार सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से मारना। ठीक है, अब ये आता है ट्राइसेप डिप्स, आप इसे भी कर सकते हो, जिससे कि आपका ये साइड वाला जो चेस्ट होगा ना, ये साइड वाला आपके हैंड के नीचे वाला, तो वो आपका स्ट्रेच करेगा। ठीक है, तो चेस्ट का पूरा जो सेट होता है वो एक कॉम्बिनेशन के तौर पे होता है कि हर तरह से जो है आपका चेस्ट वो बिल्डअप हो जाए। ठीक है, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, चाहे अपर हो, फिर नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्राइसेप डिप्स भी मारने, इसका भी आपको सेट लगाने हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिर से आपको वाइड आर्म पुशअप्स करनी है, जो कि आपको सेट करना है 5-5 का 3-3 सेट कर सकते हो नॉर्मली। ओके गाइज, उसके बाद फिर सातवां आता है फिर से उसी तरह से इनक्लाइन पुशअप्स, इसी को रिपीट करना है जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आठवां आता है आपका फिर से ट्राइसेप डिप्स, फिर जैसा कि मैंने बताया था 8वें नंबर पर फिर इसको करना है, मतलब कि 3-4 तरह के हैं जो कि आपको रिपीट करने हैं। ठीक है,
अब 9 नंबर में आ जाता है, ये यहाँ पे एक यूनिक है नी पुशअप्स, ठीक है। उतना करने के बाद अब अपना जो नंबर 9th नंबर जो पुशअप्स करोगे वो अपने घुटने के बल पे पुशअप्स करोगे, ठीक है। इसमें भी आपको बॉडी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और आपको शरीर जो है डाउन करनी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कार्टून में वीडियो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 10 नंबर में क्या करना है, लास्ट में जो है आपको कोबरा स्ट्रेच करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बिल्कुल भी बॉडी पीछे एकदम स्ट्रेट है, पाँव भी एकदम सीधा किया हुआ है और एकदम तन के जो है अपना आगे फ्रंट में खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको करना है कोबरा स्ट्रेच, ठीक है, ये लास्ट में आपको करना है। और सबसे लास्ट में आपको करना है इस तरह से चेस्ट स्ट्रेच, मतलब कि दो जैसे कि दीवार हो या फिर कोई बांस वगैरह हो, ठीक है, तो उस पर आपको दोनों साइड से आपको हैंड कर लेना है और अपना चेस्ट को जो है आगे को पुशअप्स करना है, ठीक है, मतलब कि आगे ढकेलना है, मतलब हैंड को दोनों हैंड को पीछे करना है और चेस्ट को आगे स्ट्रेच करना है। तो ये आपका हो गया चेस्ट को स्ट्रेच करना, ठीक है गाइज। तो ये आपको जो है रिपीट करते रहना है, ठीक है। ये आपको देख सकते हो 30 सेकेंड जंप्स करना है, उसके बाद फिर इंक्लाइन पुशअप्स करना है, ठीक है, उसके बाद फिर पुशअप्स करना है, उसके बाद फिर आपको करना है यहाँ पे वाइड आर्म पुशअप्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे वीडियो के तौर पे भी दिख रहा है, ट्राइसेप डिप्स करनी है, वाइड आर्म पुशअप्स करनी है, इंक्लाइन पुशअप्स करनी है, रिपीट करना, ठीक है। ये अपने हिसाब से सेट कंप्लीट करना, चाहे 5-5 का 3-3 सेट मारो, क्योंकि एक्सरसाइज आपको 11 करने हैं टोटल, ठीक है। तो 5-5 का ही सेट मारना स्टार्टिंग में, जो कि आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। और जल्दीबाजी में बिल्कुल भी चेस्ट वगैरह का जो है डिप्स जो पुशअप्स होती है वो बिल्कुल मत करना, ठीक है गाइज, क्योंकि जल्दी करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, एकदम आराम से करना, स्लो करना। अगर आप स्लो स्लो ही करोगे ना तो 5 से 6 तक में जो है आपका वो जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या पुशअप्स होती है, इसलिए जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको मैंने बता। सो गाइज कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और जो भी चेस्ट से प्रॉब्लम थी वो मैं आप लोगों को बता दिया, जैसा जैसा होता है वो भी मैं आपको बता दिया, और आपको एक्सरसाइज भी बता दिया कि क्या कौन कौन से एक्सरसाइज करने जिससे कि जो आपका चेस्ट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है गाइज। बात बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना राय विचार, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।